दोस्तों आप सभी ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वार मूवी तो जरूर देख ली होगी, परंतु क्या आपने मूवी में हुई उन गलतियों को भी देखा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये सभी गलतियां मूवी में इस तरीके से की गई कि किसी का भी ध्यान इन गलतियों पर शायद ही पड़ता। दरअसल इस मूवी की गलती निकालने से पहले हम आपको पोस्टर में देखी गई पहली गलती को बता देते हैं। दरअसल यह बात तो आप सभी जानते होंगे कि बकी का लेफ्ट हैंड जो कि एक इंसानी हाथ नहीं बल्कि एक मशीनी हाथ था, परंतु इस मूवी के पोस्टर में बकी की कलाई को साफ साफ देखा जा सकता है। अरे ये क्या, ये तो अभी शुरुआत है मार्वल, अभी मूवी शुरू तो होने देते, आपने तो मूवी के पोस्टर में ही गलती कर दी। तो चलिए अब बात करते हैं मूवी में की गई गलतियों के बारे में। आपने मूवी के फर्स्ट ट्रेलर में ब्लैक पैंथर के पीछे हल्क बूस्टर को खड़ा देखा होगा, लेकिन मूवी में वहाँ ब्लैक पैंथर के पीछे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के अलावा किसी को नहीं दिखाया गया है। आपने मूवी में थेनोस को कैप्टन अमेरिका पर अटैक करते हुए देखा होगा, जिसमें एक तरफ जब थेनोस कैप्टन अमेरिका पर अटैक करने के लिए जैसे ही जंप मारता है तब कैप्टन अमेरिका के केवल एक ही हाथ में शील्ड होती है, लेकिन उसके अगले ही पल जैसे ही थेनोस का हाथ कैप्टन अमेरिका के द्वारा पकड़ लिया जाता है उस समय कैप्टन अमेरिका के दोनों हाथों में शील्ड आ जाती है। आपने मूवी में देखा होगा जब कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो ब्लैक पैंथर से मिलने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, तब जब उनके बीच में दूरी होती है तब वहाँ काफी धूप पड़ रही होती है, जिस धूप को आप ब्लैक पैंथर के पीछे की साइड में देख सकते हैं। परंतु उसके कुछ ही पलों में जैसे ही कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर के पास पहुँचते हैं वहाँ मौसम सुहाना हो जाता है। क्या आपने थेनोस को मार्वल की किसी पहले मूवी में देखा है तो आपको याद होगा थेनोस का कलर पर्पल कलर का था, लेकिन इस मूवी में उसका कलर पर्पल की जगह पिंक दिखाया गया है। मूवी में जब थेनोस जैसे ही स्पेस स्टोन को अपने सीधे हाथ से तोड़ने लगता है उसके तुरंत बाद कैमरे का एंगल चेंज होते ही उसे सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ में दिखाया जाता है। इस सीन में जब बक्की और ब्लैक विडो एक यान में जा रहे होते हैं तब ब्लैक विडो के बाल बार बार में उड़ रहे होते हैं, लेकिन बक्की का एक भी बाल प्लेन में होने के बावजूद भी नहीं हिल रहा होता। दरअसल डायरेक्टर ने ब्लैक विडो के चेहरे की तरफ तो पंखा कर दिया लेकिन बक्की के चेहरे की तरफ करना भूल गया। दोस्तों आपका पसंदीदा सुपर हीरो कौन सा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।